फिर से बॉल मिस कर दी यार, इनसे नहीं बनने रन, आज पक्का हारेंगे। भाई मेरे अभी पहली बॉल हुई है, वो भी वाइड थी। तू इनकी शक्ल देख ले, कितने ढीले लग रहे हैं वो देख, कुछ जज्बा ही नहीं है, पिच पे जाके बैट मार रहे हैं, कुछ जोश ही नहीं है। हाउ इज द जोश, छोड़, मैं पूछ रहा हूँ वेयर इज द जोश, वेयर इज द जोश। हाय, आई एम मिस्टर जोश, योर नेबर, डिड यू कॉल मी? देख कितना जोश है इस आदमी में, मतलब एक बार आवाज मारी आ गया, इनमें तो बिल्कुल जोश नहीं है। अरे फिर बॉल हवा में मार दी यार, क्यों तुम इतनी जल्दी पड़ी हुई है, खेल लो ना लॉन्ग द ग्राउंड। नहीं हम तो पागल हैं, हम तो हवा में मारेंगे बॉल, इनसे ना हमारा गली क्रिकेट ना जीता जाए, वर्ल्ड कप क्या खाक जीतेंगे। दैट इज अ पिगी, इट्स ऑल देयर। सिक्स मार दिया ओए हार्दिक ने, क्या ही टैलेंटेड लौंडा है यार, अपना मुझसे लिखवा ले, ये एक दिन ना कैप्टन बन के रहेगा, ये तो इसकी शादी होगी, नहीं तो मैं अपना जीजा बना देता ऐसे। अरे क्या सिक्स मारा, और दिख 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 बुमराह ने लास्ट बॉल डाली ना, वो 148.9 किलोमीटर पर आवर थी, ये इसकी फास्टेस्ट बॉल है, इससे पहले जो इसकी फास्टेस्ट बॉल थी ना वो थी 147.8 किलोमीटर पर आवर, वो उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट डाली थी, शायद वो बैटर था ऐसे सुर करके निकली थी, पता भी नहीं चला था शेयो को क्या हुआ है। तुझे उस दिन की टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी याद है? हाँ बिल्कुल याद है, टेम्परेचर था 27, ह्यूमिडिटी थी 63%। हमारी एनिवर्सरी कब होती है? जिस दिन कोहली ने 65th सेंचुरी मारी थी उसी दिन। मेरा बर्थडे? जिस दिन रोहित शर्मा ने मारी थी 27th सेंचुरी। तुम्हारा बर्थडे? यार तू मुझे ना फालतू का तंग मत कर, मुझे मैच देखने में, तू फोन पे। ओह माय गुडनेस यार, वो बैटर का स्टैंस देख तू, उसका हेड और एल्बो क्या अलाइन हुआ है, एल्बो और नी क्या अलाइन हुआ है, नी और टोज, ओह माय गुडनेस, उसकी हिप की पोजीशन देख यार, एनएफटी निकाल दो इसकी, मैं बता रहा हूँ मिलियन गजिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे इसे। भाई वो बोल्ड हुआ है और बॉल कहीं भी स्विंग नहीं हो रही थी, सीधी बॉल भी मिस करती उसने यार, मतलब तुम आर्ट पे फोकस करो ना यार, प्रोसेस पे देखो, आउटकम के बारे में सोचते रहते हो, वेरी वेरी बैड मेंटालिटी यू गाइस हैव। तू मेरे मुक्के को देख ले, देख ले मेरे मुक्के को, पड़ेगा मुंह पे। अरे टॉस हो गया यार, चल कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, ड्रिंक्स ब्रेक होगी, मुझे भी ना थोड़ी ऐसे प्यास ही महसूस हो रही थी, कुछ पीने को मंगवा लेते हैं। ओ कोहली ने सेंचुरी मार ली, ओ भाई साहब आंखों में आंसू मूवमेंट, कुछ तो मीठा बनता है यार। लंच ब्रेक हो गया ना, मुझे भी थोड़ी ऐसे महसूस हो रहा था कि हाँ यार थोड़ी भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। अरे पंत ने सही DRS ले लिया, तो वंस इन अ टेस्ट मैच मूवमेंट, इस पे तो मिठाई बनती बनती है। टी ब्रेक ना, हाँ मुझे भी थोड़ा चाय पकोड़े चाहिए ना, थोड़ी एनर्जी आएगी तभी तो लास्ट सेशन में सपोर्ट कर पाएंगे। बुमराह ने छक्का मार दिया यार, बता यार, उसकी टेस्ट बैटिंग एवरेज से ज्यादा रन बना लिया उसने एक बॉल पे। चल कुछ मीठे को मंगवा ले। सिराज आज अच्छा नहीं खेल पा रहा यार, उसकी थोड़ी शक्ल पे भी लग रहा है वो डिसअपॉइंटेड सा। तुझे पता है जब बंदा सैड होता है ना उसका मीठा खाने का मन कर, और वो तो खा नहीं सकता बेचारे को, फिटनेस पे ध्यान रखना है। उसकी तरफ से हम ही खा लेते हैं, हमने खा लिया उसने खा लिया, एक ही बात है। भाई भाई बस कर दे यार, भाई फट जाऊंगा यार मैं, भाई बस कर दे बस। अरे नया टीवी ले लिया तूने? मैंने भी लिया बाय द वे, पूरे 3 हफ्ते लगा के रिसर्च करी। तूने कितने टाइम में लिया? एक दिन में। क्या बात है यार, और पिक्चर क्वालिटी भी कितनी बढ़िया नजर आ रही है, मतलब नागपुर में मैच हो रहा है और ऐसा लग रहा है सिडनी में हो रहा है, क्या है रेजोल्यूशन? पता नहीं। ओके, साउंड सिस्टम तो पता ही होगा? नहीं। वाओ डूड, तो तूने ये कैसे डिसाइड करा कि ओलेड टीवी नहीं लेना और ये वाला लेना? मैं बस क्रोमा पे गया, वो सेल्स पर्सन को बोला भाई इतना ही पैसा है मेरे पास, उतने पैसे में बता दे बेस्ट टीवी जिसमें क्रिकेट देखने का मजा ही आ जाए, फील आ जाए कि सिडनी में बैठ के भाई मैच देख रहे हैं। उसने जो बोला मैं ले आया। वाओ वाओ, मतलब तेरे को क्रोमा वाले पे इतना भरोसा कैसे? हाँ मेरे पड़ोसी है ना, वो क्रोमा में ही काम करते हैं, मिस्टर जोश। हे अंगद, डिड यू कॉल मी अगेन? भाई आप में तो सच्ची बहुत जोश है यार, थोड़ा कंट्रोल। भाई मुझे एक फ्रिज लेना था, मदद कर देंगे आप? कोर्स। Alright friends, that was the end of the video. Hope you guys enjoyed the video. Agar aapne video enjoy nahi bhi kara, I know something that you guys will really enjoy. That's the Croma TGIF sale. Jo abhi chal raha hai, to fatafat head out to a Croma store.
और क्या बढ़िया डिस्काउंट और डील मिलेंगे। और मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मेरा कूपन यूज करोगे तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यो, और मेरा कूपन कोड है क्रोमा TGIF ANG ANG अंगा TGIF, तो सबको पता है क्रोमा, तुझे पता ही पता है। तो फटाफट जाओ घर में जो चीजों की जरूरत है ले आओ, और माँ बाप को भी खुश कर दो कि देखो हम अंगद को देखते थे, अब ताने मारते रहते ना क्यों अंगद की वीडियो देख रहे हो, इसीलिए 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बाकी वो मेरे चैनल को भी शेयर सब्सक्राइब और कॉमेंट वो सब तो कर ही देगा।